लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सावधान, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। पिछली रात से भारी बारिश के बाद इन क्षेत्र को धाराशायी कर दिया। ठाणे, नवी मुंबई, मालाड, बोरिवली, पवई, भंडूप, बदलापुर और कल्याण में सड़कें जलप्रबंधित थीं और ट्रेन सेवाओं को लगभग एक घंटे तक प्रभावित किया गया था। मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक अजय कुमार ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया, अगले 5 दिनों में कोंकण, गोवा और मुंबई में भारी भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक अजय कुमार ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बदलापुर और कल्याण के बीच ट्रेन सेवाओं को खराब दृश्यता और पटरियों पर जल जमाव होने के कारण आधे घंटे तक रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 11:30 बजे के बाद रेलवे के उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सामान्य हो गई थीं। बारिश के कारण उल्हास नदी का जल स्तर आज सुबह काफी तेजी से बढ़ा। कल्याण, मिलापनगर और डोंबिवली के पास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यदि बारिश इसी समान तीव्रता के साथ जारी रहती है तो पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। वहीं शनिवार को हुई तेज बारिश की वजह से मुंबई के कल्याण में एक महिला की मौत हो गई। खडावली नदी में भी 2 लोगों के शव मिले हैं, साथ ही कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में लोकल ट्रेन को रोक दिया गया। दक्षिण मुंबई और सबर्बन, कल्याण और ठाणे में भारी बारिश हुई है। इसे देखते हुए बीएमसी कर्मचारी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में लगे हुए हैं। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक भारी बारिश को देखते हुए 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं 2 अन्य के रूट में बदलाव किए गए हैं।